जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हाईवे पर शनिवार शाम केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू एक सड़क हादसे में बाल बाल बच गए। उनकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई है। केंद्रीय मंत्री भी पूरी तरह ठीक है। हादसे के बाद सुरक्षाकर्मियों ने केंद्रीय मंत्री रिजिजू को फौरन कार से उतरकर दूसरी गाड़ी में बिठाया और काफिला आगे बढ़ गया। केंद्रीय मंत्री ने खुद ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी। दरअसल रामबन जिले में जम्मू कश्मीर श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनके काफिले में उनकी कार को पास से ले जा रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। उनके सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। हालांकि हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई। इस घटना पर पुलिस ने कहा, कानून मंत्री किरण रिजिजू को शनिवार को जम्मू कश्मीर में एक ट्रक से अपनी कार की टक्कर में बाल बाल बच गए। जम्मू में उधमपुर के पास एक पूरी तरह से लदे ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस टीम ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री की कार हादसे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिजिजू आज जम्मू कश्मीर दौरे पर थे और एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया।